हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइस, डीडीए की तरफ से एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वही डिस्कस करना था यहाँ पर, ठीक है। जो वैकेंसीज अभी डीडीए ने एक्चुअली एक शॉर्ट नोटिस के रूप में जो है अनाउंस करी हैं, टोटल 629 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसमें लगभग सभी पोस्ट, ठीक है, ए बी सी जिसे आप ग्रुप ए बी सी बोलते हैं, सभी में कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। टोटल 629 हैं और सबसे ज़्यादा जो है समूह ग की वैकेंसीज़ हैं इसमें, जिसे आप ग्रुप सी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज़ वो हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक की, 292 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें से अनरिजर्व की रहने वाली हैं 121 और 29 पोस्ट रहने वाली हैं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, यानी 150 वैकेंसीज़ टोटल मैं अगर बात करूँ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, तो वो रहने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये जो है नोटिफिकेशन, एक्चुअली भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, न्यूज़पेपर कटिंग कह सकते हैं आप जिसे। तो एज पर दी नोटिफिकेशन, दिस शॉर्ट नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा है कि जो रिक्तियाँ उनसे योग्यता और भर्ती की प्रक्रिया आदि से रिलेटेड जो भी सूचना है आपको, वो 23 मार्च को दी जाएगी वेबसाइट पर, राइट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 के अंदर ये जो है नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा और वहाँ पर आपको पूरा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कनिष्ठ सचिवालय सहायक और माली की वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहने वाली हैं, बाकी पटवारी आशुलिपि ग्रेड बी की भी 100 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, पटवारी की 44 वैकेंसीज़ हैं। तो स्टेनो वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा, जो स्टेनोग्राफी जो लोग जानते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, अप्रॉक्स 1 वीक, ठीक है। हो सकता है 23 तारीख कह रहे हैं वो लोग, 22 को ही आ जाए नोटिफिकेशन वेबसाइट पर, ऐसा हो सकता है, या 21 को ही आ जाए, तो कुछ दिनों का हमें और वेट करना है। आफ्टर दैट मैं एक बार पूरा इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में इस नोटिफिकेशन को, राइट। और बाकी वेट करते हैं 23 मार्च तक का, ठीक है। लगभग सभी के लिए वैकेंसीज होंगी इसमें, ठीक है। आपका 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, और जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनके लिए तो एक्सपीरियंस भी होगा, तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस भी मांगा होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट में। तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आउट ना हो जाए। बने रहिए चैनल के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।